12 बज चुके हैं, हमने आप प्यारी को विश कर दिया और ये प्यार बर्थडे टू यू। और ये रहे हैं आप प्यारी के गिफ्ट जो सबने उनको दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, एलवन से आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 20 मई से, क्योंकि कल 21 मई है और आप प्यारी का बर्थडे होने वाला है। और आज मैं किचन में ठहर के व्लॉग शूट कर रही हूँ, मम्मा सामने पका रही मज़े मज़े के आलू। और आज का व्लॉग 2 दिन में होगा क्योंकि कल आप प्यारी की बर्थडे है और आज हम कुछ तैयारी वगैरह करेंगे तो उसकी होगी व्लॉग। और इधर मैं अपनी पॉकेट मनी में से आधी मैंने खा ली थी ताकि अरीबा को पता ना चले, और आधी से मैं ना लाई हूँ कोई चीज़, मैं आपको दिखाती हूँ। वो चीज़ है ये 3 बैलून, क्योंकि मम्मा वगैरह जो डेकोरेशन करेंगी वो तो कल होगी, तो मैं अपनी पॉकेट मनी से रात के 12 बजे आप अरीबा को सरप्राइज़ दूंगी। और गिफ्ट तो हम बाद में ही देंगे ना जब केक वगैरह आएगा, रात के 12 बजे भी तो कोई सरप्राइज़ होना चाहिए ना, तो मुझे 12 बजे तक जागना पड़ेगा, तो मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरी बात सुन भी सकती हैं जी। तो अब मैं रात हो चुकी है और कम से कम बज रहे हैं 9:08 और मेरे वाले के जब मैं सो रही थी तो 12 बजे हमने देना है सरप्राइज़, तो उसके लिए मैं गुब्बारों का जो ला लेती हूँ। और आप अरीबा को जो मैंने गिफ्ट देना है वो मैंने किसी को नहीं बताया, ना ही आप अरीबा को इतना सा भी आइडिया नहीं है, तो वीडियो के लास्ट तक रहें ताकि आपको पता चले कि गिफ्ट में हमने क्या दिया। और अभी मैंने जो है बैलून वगैरह फुला लिए हैं और आप अरीबा मेरे पीछे ही ठहरी हैं, तो मैं अच्छा से बात कर रही हूँ और आप अरीबा भी साथ हैं। और अभी टाइम है 8 मिनट रहते हैं सिर्फ। एक बैलून जो है ये है क्योंकि मुझे इतना छुपा छुपा करना पड़ता है क्योंकि आप फिर बस सारे घर में घूमते हैं, इसलिए मैंने छोटे छोटे फुलाए हैं ताकि जो है ना फट गए तो फिर शोर होगा ना, इसलिए मैंने छोटे छोटे यू कर दिए। आप फिर वो पूरे घर में होते हैं, कुछ टाइम ही नहीं मिलता करने का। मैंने उनके लिए एक क्राउन बनाया था अपने हाथ से और ये एक बैलून और एक ये वाला बैलून, तो अभी टाइम होने ही वाला है। 12 बज चुके हैं, हमने आप अरीबा को विश कर दिया और ये प्यारा सा ताज भी पहना दिया और आप अरीबा अचानक से मोबाइल चला दी और हमने इन्हें ताज पहना के विश कर दिया और ये बहुत खुश है, लेकिन अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। और आज हम आए थे पार्क में क्योंकि आप अरीबा का दिल था कि आज हम पार्क जाएं, तो बर्थडे गर्ल की बात तो माननी पड़ेगी, तो हम सब आ गए थे पार्क में। हमने सोचा था कि एक पार्क में ही काटेंगे, लेकिन फिर आप अरीबा का दिल किया नहीं, पार्क में बहुत सारे लोग थे तो आप अरीबा को शर्म आती है, तो उन्होंने कहा हम वापस घर जा कर ही केक काटेंगे। तो अब चलते हैं घर और फिर मिलते हैं केक कटिंग के बाद। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अब अभी वो मम्मा को फर्स्ट बाइट खिला रही है केक की। और आप अरीबा आपको कैसा लग रहा है मम्मा, आप बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और आप अब आप ही को खिला रही हैं आप अरीबा, आप श्याम भैया को, और मेरी बारी। रात हो चुकी है, हम पार्क से वापस आ चुके हैं और हम हमेशा रात को ही जो है बर्थडे मनाते के दिन में हमसे केक नहीं खाया जाता। और ये रहा आप अरीबा का गिफ्ट जो कि है एक वाटर ग्लास, वाटर बोतल तो नहीं कहेंगे इसे, ओ। और ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया था प्यारा सा। और ये है शाह भैया का गिफ्ट जिसमें 2 पेन है, एक पिंक कलर का एक वाइट कलर का, क्योंकि आप अरीबा के पेपर्स होने वाले हैं। और साथ ही है हमारा केक, यानी कि आप अरीबा का केक पर जगह कम थी तो कुछ लिखवा नहीं सकी, वैसे भी वो जो जेल होती है जिससे लिखते हैं वो आप अरीबा को पसंद ही नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।